तस्मै श्री गुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थ गोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुत सक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देव पदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद शिल भक्त निकेतन तूर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य शिल गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से श्री रूप गोस्वामी के द्वारा उपदिष्ट ये उपदेशामृत को श्रवण करने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। उसी के अंतर्गत हम लोग तृतीय श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उत्साहात निश्चयात धैर्यात वाली, उसके अंतर्गत उत्साह के ऊपर श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने जिस जानकारी को हमें देनी दी, हम लोग उसका चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने दशमूल शिक्षा को यहाँ पर आगे रखा। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने पांच प्रमेय के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर श्रवण किया। अभी षष्ठम जो प्रमेय है उसके बारे में श्री भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर बतला रहे हैं कि षष्ठम प्रमेय यही है कि नित्यबद्ध जीव, जो जीव नित्यबद्ध है, वो केवल और केवल सत्संग के द्वारा ही मुक्ति को लाभ कर सकता है। ये दशमूल शिक्षा श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा विरचित मुख्य रूप से तीन चीज़ों को लेकर के इंगित करता है, वो है संबंध, अविधेय, प्रयोजन। तो इसीलिए यहाँ पर संबंध को जगाने के लिए, संबंध को स्थापित करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, उस दिशा में श्री भक्ति विनोद ठाकुर प्रमेय को दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बोल रहे नित्यबद्ध जीव को सत्संग के प्रभाव से ही मुक्ति मिल सकता है, नहीं तो मुक्ति मिल नहीं सकता। ये माया के कर्म के बंधन में फंसा हुआ जीव नित्य बद्ध अवस्था को प्राप्त कर जाता है। वैसे तो जीव बद्ध ही नहीं है, नित्य बद्ध तो दूर की बात है, जीव बद्ध नहीं है। लेकिन नित्य बद्ध तो कैसे हो सकता है, लेकिन माया के संसर्ग में आने के कारण, मायिक जगत में प्रवेश होने के कारण ऐसे नित्य शब्द जो है सूचित किया जाता है, इंकित किया जाता है।
वही जीव जब माया मुक्त होगा, माया के द्वारा जब उसके आवरण से मुक्त हो जाएगा तो उसकी वो नित्यता समाप्त हो जाता है। जीव को अनुभव होता है कि तो माया का बंधन तो कभी नित्य था ही नहीं है, अनित्य है, क्योंकि नित्य वस्तु हमेशा रहने वाला वस्तु होता है। नित्य वस्तु कभी भी किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में वो उसकी नित्यता नष्ट नहीं होता। जो अनित्य वस्तु है वो समाप्त हो सकता है, नित्य वस्तु नाश कैसे हो सकता है? नित्य वस्तु अगर हो गया तो उसकी नित्यता समाप्त हो जाएगा। इसीलिए माया नित्य है, लेकिन माया बद्ध अवस्था जो है वो नित्य नहीं है। जीव का जो माया में बद्ध अवस्था वो नित्य नहीं है। इसीलिए लेकिन भगवान से विमुख होने के कारण जीव जब माया के संपर्क में आ गया तो वो बद्ध अवस्था को प्राप्त कर गया। क्या बोलते हैं, साधु संतों की कृपा से बद्ध जीव जन्म जन्मांतरों से की आर्जित भक्ति उन्मुखी के सुकृति के प्रभाव से माया से मुक्त हो जाता है। जो सुकृति है, भक्ति उन्मुखी सुकृति, उसके प्रभाव से जीव माया से मुक्त हो जाता है। वो सुकृति कहाँ से आता है? बोलते सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृतय पूर्व संचिताय। साधु कृपा से ही सत्संग मिलता है और सत्संग से ही सुकृति होता है और सुकृति से ही फिर सत्संग होता है। इसलिए बोला कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। साधु संग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुकृति पाप पुण्य से परे अवस्था का होता है। ज्ञात और अज्ञात जो भी हमने किसी महाजनों की सेवा में कभी ना कभी खुद को लगाया तो उसी का जो फल स्वरूप जो हम लोगों को प्राप्त होता है वही सुकृति होता है। उसके लिए तो भक्त का होना जरूरी है, नहीं है तो कैसे होगा? इसीलिए महाजनों के कृपा से क्या होगा, जो बद्ध जीव है वो साधना करके ज्ञात भी हो सकता है उसकी साधना, या उसको अज्ञात भी हो सकता, मतलब जानकर अनजान में जैसे भी अवस्था में वो अपने आप को भगवान की सेवा में लगा लेता है तो उसको जो सुकृति उत्पन्न होगा उसी से वो माया से मुक्त होने के लिए अधिकारी हो जाता है। वास्तविकता में साधु संघ का इतना अद्भुत प्रभाव है, लवमात्र साधु संघ की बात हो रहा है। अनादिकाल से बद्ध जीव एक लवमात्र साधु संघ से जो है माया से मुक्त होता है, इतना ही नहीं भगवान की सेवा को भी प्राप्त कर जाता है। इतनी विशेषता है, एक तरफ अनादिकाल से माया में बद्ध जीव है, एक दो दिन से नहीं, और उसका प्रभाव भी इतना ज्यादा है, माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अर्जुन भगवान से इस बात को बतला रहा है, आप अगर कहे मैं जो माया को जो पार पाना वो बड़ा ही कठिन है, कि माया में नहीं आना है तो कैसे हो सकता? तब भगवान भी बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से माया जो है वो दुस्तर है, मतलब है कि व्यक्ति कोई भी उसका पार नहीं पा सकता है। लेकिन एक उपाय है, ममैव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे में प्रपन्न होगा, शरणागत होगा, मायाम एताम तरुन्तिते, वो शरणागति की जो शिक्षा कि किस विधि से जाके भगवान के श्री चरणों में गिरना है, उनके चरणों को पकड़ लेना है, वही हम लोगों को साधु कृपा से प्राप्त होता है।
वही साधु कृपा से प्राप्त होता है, तब व्यक्ति माया से मुक्त होता है। ये भक्ति उन्मुखी मतलब क्या है? भक्ति मतलब ही है समर्पण, सेवा के द्वारा, प्रीति के द्वारा, नाम के द्वारा, ये सब क्रियाओं के द्वारा भगवान के श्री चरणों में एकांतिक रूप से समर्पित होकर जो जीव साधन करता है वो माया से मुक्त होता है। वो गुण उसके अंदर साधु कृपा से ही आता है, इसलिए वो सुकृति नहीं है। देखा जाए तो सुकृति का, या ये यूं कहें कि वो वास्तविकता में भजन की प्रारंभिक अवस्था है, क्योंकि सुकृतियां व्यक्ति को परमार्थ की तरफ भी लेके जाएगा, सुकृतियां उसको परमार्थ की तरफ लेके जाएगा, निर्गुण भूमिका में लेके जाएगा। इसीलिए वो जो नित्य सेवा की जो प्रारंभिक अवस्था है वही साधु की कृपा से हम लोगों को प्राप्त होता है, और वही साधु का कृपा से क्रम से उन्नति को प्राप्त करते हुए भगवान के श्री चरणों तक लेकर के चला जाता है, जीव का बद्ध अवस्था से उसको मुक्त कर देता है, माया के चुंगल से उसको बाहर कर देता है। जब बाहर आता है तो मालूम पड़ता है कि ये तो नित्य वस्तु था ही नहीं और मैं कभी बद्ध था ही नहीं। अब अंदर फंसा हुआ जीव है, उसको लग रहा है कि मैं बद्ध हूं, जब उससे बाहर निकल के देखता है तो मालूम पड़ता है मैं तो कभी बद्ध था ही नहीं। जब वस्तु में आविष्ट होकर के उसको देखना या उससे अलग होकर के उसके देखना, बहुत ज्यादा अंतर होता है। चाहे सूक्ष्म वस्तु हो, सूक्ष्म भाव से हो, चाहे स्थूल भाव से हो। आज ये बिल्डिंग इतना बड़ा दिखता है, अगर 200 फीट ऊपर जाके देखेंगे तो इतना दिखेगा। वही वस्तु है, वही हम है, लेकिन जब हम इससे अपना दूरी को बना करके रखते हैं तो हमें वस्तु ऐसा दिखता है। एक व्यक्ति के साथ बहुत घनिष्ठता है, लेकिन वो घनिष्ठता जिस समय में टूट जाता है, वो व्यक्ति सामने होने के बाद भी वो हमें बहुत दूर दिखाई देता है। कभी ऐसा तो है ही नहीं कि वो व्यक्ति हमें नज़दीक दिख रहा है। ये स्थूल जगत की बात है, और वही माया जब व्यक्ति वो पूरी तरह से अपोजिट है। इसलिए आप माइक जगत में पड़ा हुआ व्यक्ति का जो माइक विचार और दर्शन और क्रियाएं, जब वो कृष्णोन्मुख होगा साधु कृपा से, तब उसको मालूम पड़ेगा कि वो क्या अवस्था था। ये विशेषता है। लेकिन यही बात यहां पर बता रहे हैं, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनस्य तरह तर्यच्युत सत्संगम, सत्संगमो यार्हि तदेव सद्गतो परावरेशो त्वयि जायते रति। सत्संग से संसार दुख क्षय होता है तथा श्री कृष्ण की कृपा में दृढ़ विश्वास होता है। यही विशेषता है इसमें। संसार का जो दुख है, संसार में वास्तविकता में दुख है, कुछ ना भी हो ऐसा नहीं कि आज हमें कौन दुख दे रहा है देखा जाए तो, फिर भी कुछ ना एक प्रकार का दुख फिर भी अनुभव होता है। बैठे बैठे आदमी को भी दुख का अनुभव होता है, सारी सुविधाएं होने के बाद भी दुख का अनुभव होता है। उसका कारण यह है, ये संसार का नियति है दुख देना, दुख के द्वारा ही बना हुआ है। भगवान ने तो इसका नाम भी दुखालय रखा, जैसे पुस्तकालय, देवालय, औषधालय, ऐसी ये दुखालय है। तो दुखालय के अंदर पग पग पे दुख नहीं मिलेंगे, ऐसे कैसे हो सकता। सिर्फ वही व्यक्ति को दुख नहीं मिलता है जो इस बात के अंदर प्रतिष्ठित हो गया
कि निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतलु करके, कि श्रीमन नित्यानंद प्रभु के चरण, गुरुदेव के चरण, वैष्णों का चरण, भगवान श्री राधा कृष्ण के श्रीचरण के अंदर इतनी शीतलता है। इस बात को जिसने थियरी में नहीं प्रैक्टिकल में अनुभव कर लिया, उस व्यक्ति को फिर कभी भी किसी भी प्रकार का ताप नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो उनके बीच में है। वैष्णव संगेते मौन आनंदित अनुक्षण, और सत्य में अगर हम वैष्णवों के संग में हैं, मन तो आनंद में ही रहेगा हमेशा, क्योंकि वहां पर दुख का कोई स्थान ही नहीं। शरीर को गुरु वैष्णवों के बीच में रख के स्वयं को हमने इस प्रपंच में रखा, इस संसार में रखा, तो निश्चित रूप से ये बात अनुभव नहीं हो पाएगा। नहीं है तो सत्संग से संसार का दुख सही हो जाता है, वो दुख नहीं रहता। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, बोलते भगवान श्री कृष्ण के कृपा पर दृढ़ विश्वास भी होगा। भगवत कृपा के ऊपर विश्वास होना ये वास्तविकता में बहुत बड़ी बात है, कि आपका कृपा ही मेरे लिए सब कुछ है, इस बात पे विश्वास होना सहज बात नहीं है। लेकिन साधु कृपा से वो भी हो जाता है। जो असंभव जैसे दिखने वाला कार्य भी साधु कृपा से सरलता से हो जाता है, यही विशेषता है सत्संग का, यही विशेषता है साधु कृपा का। नहीं मैं इस चीज को कैसे छोड़ूंगा, नहीं मैं शराब को कैसे छोड़ूंगा, मैं प्याज कैसे छोड़ूंगा, कई लोगों का विचार होता है। फिर बोला जाता है कुछ नहीं, कीर्तन में तो आइए, सत्संग में तो आइए, है ना। वो आता है सत्संग करते 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 ये चीज़ें तो छूट जाता है, लेकिन बदजीव होने के कारण ये छूट जाता है, लेकिन साधना में उसकी गंभीरता नहीं आता है। क्यों? कि ये तो छोड़ दिया, फिर उसके बाद उसने साधु अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, ये सब करना शुरू किया। लेकिन अगर व्यक्ति समझदार होता है, ये तो छूट जाएगा और वहां आगे बढ़ जाएगा। साधारणतः साधक जो है आगे ना बढ़ने का पीछे कारण यही है, स्थूल रूप से जितने भी अनर्थ होते हैं उनको तो छोड़ दिया, लेकिन जो सूक्ष्म रूप से अंदर बैठ गया है उसको छोड़ा नहीं है, या यूं कहें तो उनको आश्रय देना शुरू किया। जब हमने अपराध को आश्रय दिया, संग करने के बाद भी उस संग का जो महत्व है वो हमें नहीं समझ में आता। साधु संग में लाभ इसलिए होता है कि साधु जो है वो मूर्तिमान शास्त्र होते हैं, साधु जो है मूर्तिमान शास्त्र हैं, शास्त्र ये आचरण के बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता, और साधु ब्रह्मनिष्ठता का भी मूर्तिमान स्वरूप है, वो स्तोत्री भी होता है ब्रह्मनिष्ठ भी होता है। श्रोति मतलब जरूरी नहीं है कि जितने भी ग्रंथ है, जितने भी श्लोक है, जितने भी शास्त्र है, उन सबको रट लिया है, उनका जो मर्म है, उनका जो तत्व है उसको समझने वाला, एसेंस जो है उसको अच्छी तरह से समझने वाला व्यक्तित्व होता है। और दूसरा, एक प्रामाणिक परंपरा के द्वारा, मतलब वो स्वयं पढ़ के समझ लिया ऐसा नहीं है, गुरु कृपा से, साधु कृपा से, परंपरागत विधि से उस ज्ञान को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है, और साथ ही भगवान के श्री चरणों में एकनिष्ठ होता है, अनन्य निष्ठ होता है, और भगवान का कृपा का उपलब्धि करने वाला व्यक्ति होता है। ये सब जिसमें होता है वही साधु होता है।
इसीलिए बोला सत्संग की महिमा, क्योंकि एक साधु का मिलना मतलब है तो ग्रंथ का मिलना, परंपरा का मिलना, भगवान का कृपा का मिलना, सब कुछ हो जाता है। नहीं है तो ग्रंथ अलग है, भगवान का कृपा अलग है, साधन अलग है। ग्रंथ में जो है वो थियरी है, और ये थियरी को जब व्यक्ति प्रैक्टिकल में अप्लाई करेगा तब उसके बाद भगवान का कृपा आता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ एक साथ में है, क्योंकि वो जो बोलता है वही आचरण करता है, वहां पर दोनों ही एक साथ है। और उसी के प्रभाव से, क्योंकि परंपरा के अनुसार आकर गुरुमुख वाणी का अपने जीवन में आचरण करने के कारण उसको भगवान का कृपा का उपलब्धि भी होता है। ऐसे जो साधु जब हमें मिलते हैं, उनका केवल दर्शन से, उनका संग से हर चीज से हमें अत्यंत लाभ होगा, उनका शासन से भी लाभ होगा। हनुमान जी ने जैसे लंकिनी के सिर पे मार दिया, जोर से धाम करके मार दिया, उसका बुद्धि किनारे पे लग गया एक ही बार में, ये विशेषता। तो इसलिए बोलते हैं उस समय जीव भजन के प्रभाव से तथा भगवत कृपा से माया बंधन का छेदन कर कृष्ण सेवा लाभ करता है और नित्य मुक्त जीवों के साथ सालोक्य प्राप्त करता है, ये विशेषता है। जो नित्य मुक्त जीव होते हैं उन लोगों के साथ में उन्हीं के धाम में विराजमान होता है, उनके साथ में वहाँ पर पहुँच जाता है। जब सारे बद बैठे हुए हैं तो सभी दुखी है, सारे बद बैठे हुए सब रो रहे हैं अपने अपने कर्मों के कारण, अपने अपनी अवस्था के कारण। उनके बीच में जाकर के ये क्या करेगा, ना चाहते हुए भी रोना पड़ेगा, है ना। सब दुखी है, सब रो रहे हैं, उनके बीच में ये भी, इसको भी रोना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वो भगवान के कृपा से, सत्संग के कृपा से उन नित्य मुक्त जीवों के पास पहुंच जाएगा, उनका कृपा को लाभ कर लेगा वो सहजता से। इसीलिए बोल रहे हैं सत्संग करना। सप्तम प्रमेय में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं अचिंत भेदाभेद संबंध के बारे में, भगवान श्री कृष्ण और कृष्णोत्तर वस्तु परस्पर अचिंत्य भेदाभेद संबंध है। इसीलिए वेदों में कही अभेद सूचक है और कही भेद सूचक बताया गया है। भगवान और भगवान से जुड़ी हुई चीज़ों का क्या संबंध है कि भेदाभेद संबंध है, कही मतलब ये चाहे जड़ जगत हो, मतलब जड़ जगत के जो पंच तत्व हैं वो हो, या मतलब भगवान के स्वयं भगवान, उनकी पराशक्ति उनकी अपराशक्ति, ये सब में भेद भी है अभेद भी है, भेद भी है अभेद भी। अब जैसे परा, ये जो है अपराशक्ति से उत्पन्न हुआ है ये पंच तत्व, ये जगत माई जगत उत्पन्न हुआ है, उसने जो परिवर्तन है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन एक विचार से देखते हैं तो वो वस्तु की नित्यता भी है, लेकिन नित्यता होने के बाद भी वो कृष्णेतर वस्तु के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए उसके अंदर एक भिन्नता है। वो एक, उसको हम एक वस्तु कह भी नहीं सकते और उसी समय उसको अलग भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो भगवान के ही अपराशक्ति से उत्पन्न हुआ है। और उसके बाद जीव भी, जीव भगवान से उत्पन्न हुआ है, उनकी पराशक्ति से उत्पन्न हुआ, इसलिए उनके जैसा इच्छा, उनकी जैसी क्रिया, उनकी जैसी अनुभूति, उनकी जैसी स्वतंत्रता सब,
लेकिन भगवान में परिपूर्ण मात्रा में है, वही जीव के अंदर बिंदु मात्रा में। और ये विशेषता है कि ये जो साधारण व्यक्ति के बुद्धि से अगोचर है, इसलिए बोलते अचिंत, तुम्हारे चिंता से परे वस्तु है। भेद अवेद कई किस प्रकार से है, कोई अगर चिंतन करना चाहेगा वो उसकी चिंता से परे वस्तु है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको कभी समझाएगा ही नहीं, ये तत्व उसको कभी भी समझ में नहीं आएगा ऐसा भी नहीं है। क्या बोलते हैं यहां पर बताया, अम्मय वाक्य में दृढ़ विश्वास होने पर श्री कृष्ण की कृपा से भक्त जन इस अचिंत वेदाभेद ज्ञान को अल्प समय में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अन्मय वाणी मतलब क्या है, गुरुमुख वाणी, जो गुरुदेव के मुख से सुना हुआ वाणी, साधु मुख से श्रवण किया हुआ वाणी, उसके द्वारा जब हम लोग दृढ़ विश्वास होता है। फिलॉसफी एक ऐसी चीज है कि वो बिना विश्वास नहीं समझ में आता है। विश्वास नहीं होता जब, तो उसको जो मर्जी बोलो उसको विग्रह मूर्ति दिखते हैं। उसको कभी विग्रह के अंदर आप चाहे कितना मर्जी उसको समझने का कोशिश करो, उसको विश्वास है ही नहीं, इसलिए उसको वहां पर कभी भी विग्रह भगवान नहीं दिखते। जिसको विश्वास है उसका दर्शन अलग हो जाता है। वो क्या करता है, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, आप मूर्ति है, कौन क्या था, आप तो प्रतिमा नहीं है। ये क्या हो क्या रहा है, अच्छा, तो इसलिए वो प्रतिमा जो दिख रहा है वास्तविकता में, लेकिन विश्वास जिसके अंदर है वो उस प्रतिमा को भी देखकर वो कहते हैं कि प्रतिमा नहीं, आप है कृष्ण स्वयं है। इसलिए वाला विश्वास है पाए वस्तु तर्के बहु दूर। वस्तु मतलब कौन, कृष्ण। वस्तु मतलब कौन, भगवान। जो अद्वैत ज्ञान तत्व उसी को वस्तु कहा गया। वो चाहे ब्रह्म रूप से हो, परमात्म रूप से हो, स्वयं भगवान के रूप में क्यों ना हो, उसका प्राप्ति एक साधक को तभी संभव पर है जब उसके अंदर विश्वास है। और विश्वास भी अंधविश्वास नहीं, आमनय वाणी के ऊपर विश्वास, मतलब परंपरागत जो विचार है, जो आचार्यों की अनुभूति है, उसमें जो हमारे पूर्व आचार्य जिन्होंने साधना करके उस चीज को अनुभव किया, उनके उस विचारों के ऊपर जब हमारा विश्वास होगा तब हमें वो तत्व समझ में आएगा। मुझे तो भगवान में बहुत विश्वास है, भारत में या बहुत लोग मिलते हैं, बाकी और देशों के लोग तो मलेच्छ हैं, उनको इतनी समझ नहीं है। भक्त लोगों की बात अलग है हर जगह पे। जैसे भारत में ज़्यादातर लोग मिलते हैं, अपने आप को धार्मिक कहते हैं, अपने आप को भक्त मानते हैं, लेकिन देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि बिल्कुल नहीं है ऐसा। उसका कारण क्या है, भक्त बोलने से नहीं होता, किस बेस पे तुम भक्त हो जब ये विचार करना पड़ता है। जब ये विचार किया जाता है मालूम पड़ता है कि वो तो आमनय वाणी तो दूर की बात है, वो तो शास्त्र के वाणी को भी विश्वास नहीं करता। तात्विक विचार जो है वो आमनय वाणी का विचार ही वास्तविकता में तात्विक विचार है। बाकी जितने भी शास्त्र के जो वाणी है उसको तात्विक विचार में गिना नहीं गया। बहुत सारे विचार शास्त्र के अंदर है और ये महापुरुषों ने, परमहंसों ने उसमें से सार को संग्रहित करके उसको तत्व के रूप में प्रकाशित किया। इसलिए भागवत जी को परमहंस संहिता कहते हैं। परमहंसों का काम क्या, अवधूतों का काम क्या है, यही उनका काम है।
जितने भी शास्त्र हैं उन सब के बीच में से सार सार निकाल कर उसको आगे करना। संहिता मतलब संकलित करना। वो लोगों ने वैदिक शास्त्रों के, इसीलिए परमहंस संहिताएं जितना भी है वो सब वास्तविकता में आनमय वाणी है। इसीलिए हम लोग श्रीमद् भागवत जी को प्रमाण मानते हैं। कई लोग नहीं मानते, वो उनका दुर्भाग्य है। लेकिन भागवत जी को प्रमाण मानने का कारण ही ये है, भागवत परमहंस संहिता है। भगवान को, भगवत तत्व को, भगवत कृपा को अनुभूति प्राप्त जो व्यक्तित्व है शुद्ध भक्त, उनके द्वारा भगवान की भक्ति की महिमा को प्रकाशित करने वाले जो विचार है वही वास्तविकता में आमनई वाणी के अंतर्गत होता, वही भागवत जी के रूप में भी प्रकट हुआ है। इसीलिए व्यास देव ने भागवत की महिमा में बता दिया, जो व्यक्ति धर्मार्थ काम मोक्ष को तुच्छ समझता है वही व्यक्ति आगे आओ, क्योंकि उसके अंदर चरम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के बारे में वहाँ पर बतलाया गया, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण सेवा की प्राप्ति के बारे में वहाँ पर बतलाया गया है। इसलिए यहाँ बताया, जो व्यक्ति ऐसे आमनई वाणी के ऊपर विश्वास करता है, वो परंपरागत वाणी के ऊपर विश्वास करता, वो इस अचिंत भेदाभेद संबंधी जो विषय है उसको समझ पाता है, अन्यथा नहीं समझ सकता। क्या बोलते, स्पष्ट रूप से देख पाता है। इस विषय में जड़ तर्क वितर्क करने पर मायावाद हो पड़ता है। इसके ऊपर फालतू के तर्क वितर्क करके कोई लाभ नहीं है। जब तक स्पिरिचुअल लाइफ एक ऐसी चीज है, सारे शब्द सारी शिक्षाएं एक किनारे में लग जाता है, जब साधक का साधना करते हुए उपलब्धि होता है हर व्यक्ति की, क्योंकि भगवान अनंत है और उस अनंत भगवान की जो उपलब्धि जो है, उनका उपलब्धि भगवान का, वो भी अनंत प्रकार से भगवान के से जुड़ा हुआ जो उपलब्धियां हैं उसको हम लोग लिमिटेड नहीं कर सकते। इसलिए ग्रंथ में नहीं है, इसीलिए जो है ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि भगवान अनंत है। भगवान का उपलब्धि भी अनंत प्रकार से होता है। जो भक्त लोग जितना प्रकाशित कर सकते थे उतना उन्होंने प्रकाशित किया। अब ये होइवेन जो भक्त हैं वो लोगों की अपनी उपलब्धियां हैं। ये तो होयाचयन की बात को लेकर के उल्लेख किया गया, लेकिन साधना में जो होइवेन भक्त लोग हैं वो जब प्राप्त कर लेते हैं, हो चुके होते हैं, तब उनकी जो रियलाइजेशंस है उसका भी एक अलग स्तर होता है। सिर्फ इतना है कि कभी भी एक भक्त का उपलब्धि दूसरे भक्त के उपलब्धि के साथ में क्लैश नहीं कर सकता। जबकि कर्म, ज्ञान, योग, तप, त्याग आदि विचारों के अंदर साधकों के उपलब्धि में बहुत सारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जहाँ पर भक्ति की बात आता है उनको किसी भी प्रकार से उसका रियलाइजेशन हो लेकिन वो कभी भी क्लैश नहीं करता है दूसरे भक्त के साथ में। वो भक्त के अनुगामी होगा, क्योंकि भक्ति हमेशा अनन्यता और अनगत्य के आधार पे चलता है। स्वतंत्रता तो भक्ति में है ही नहीं, भक्ति में परतंत्रता भी नहीं है, भक्ति में आश्रय है, आश्रित होके करना है। तो इसीलिए वो भक्तों का आश्रय में, भक्तों के भावनाओं के आश्रय में। अब जैसे हम लोग देखें, हम लोग गुरु महाराज जी के आश्रित हैं और गुरु जी के विचारों के भी आश्रित हैं। इसलिए जो विचार गुरु जी पसंद नहीं करते वो काम हम लोग करना नहीं पसंद करते। फिर प्रेम गुरु जी से, गुरु जी के विचारों से भी है, गुरु जी के भावों से भी है,
गुरु जी के आचरण से भी है ऐसा। तो इसीलिए अगर हमें कल को भगवत कृपा मिलता है तो वो कृपा गुरु जी के विचार और गुरु जी के आदर्शपूर्ण आचरण के अनुगामी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो गुरु जी को ओवरटेक करने वाला होगा या गुरु जी से अलग होगा, ये विशेषता है। इसलिए बोलूं इसमें तर्क वर्क करना कोई लाभ नहीं है, ये सब चीज़ों से ये एक परे की वस्तु है। तर्के बहुत दूर है तर्क से। कोई तर्क करेगा और सोचेगा कि मैं समझ गया या समझ जाऊंगा तो वो निश्चित रूप से मूर्ख है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो ऊपर दिए गए जो सात प्रमेय है, प्रमेय नौ है, प्रमाण एक है, टोटल इनको दशमूल कहते हैं। तो ऊपर दिए गए जो सात प्रमेय है वो क्या है, वही संबंध ज्ञान सूचक है। पहले के सात प्रमेय संबंध ज्ञान सूचक है, उसके बाद आठवां प्रमेय अभिधेय सूचक है, और जो नवम प्रमेय है या दशम मूल कह लीजिए जो कि प्रयोजन स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। यहाँ पर क्या बताया, आत्म समाधि द्वारा पाए जाने वाले इन सात प्रमेयों का ज्ञान जब आन्मय के बल पे साधक के हृदय में उदित हो जाए तब ऐसा कहा जा सकता है कि उसे संबंध ज्ञान प्राप्त हो गया। ये जो आत्म समाधि के द्वारा, क्योंकि पहले हमने विचार किया ये जो प्रमेय है वो आमनई वाणी के आधार पे, उसी के सहारे पे व्यक्ति के अंदर प्रकाशित होगा। अब जो बातें हम सुन रहे हैं, जब ये हमारे अंदर उदित होगा, प्रकाशित होगा, मतलब है कि हमारा संबंध ज्ञान जागृत हो गया। तो मतलब हमारा, हमें संबंध ज्ञान जागृत हो गया। सनातन गोस्वामी ने जो श्री चैतन्य महाप्रभु से संबंध ज्ञान तत्व को लेकर जो बात को बतलाया, क्या है वो, सनातन गोस्वामी के प्रश्न थे के अभी कनु मुरे जा रहे तापत्र, ये सारे जो प्रश्न हैं कि मेरा कल्याण किस प्रकार से होगा। जो लोग वास्तव में कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं वे श्री गुरुदेव से अवश्य ही इन प्रश्नों को पूछेंगे। इसीलिए बोलते साधक को गुरुदेव के पास जाने के बाद उनका समय नष्ट नहीं करना होता है। अक्सर जैसे गुरुजी मुझको देख के मुस्कुरा रहे थे, गुरुजी ने मुझसे पूछा तो ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, इसके बारे में नहीं बता रहे यहाँ पर। बोलते हमेशा तत्व जिज्ञासा के भाव से ही गुरु के पास जाना होता है। एक सदशिष्य वही है जब वो गुरु के पास जाएगा वो तत्व जिज्ञासा लेकर के जाएगा, ब्रह्म जिज्ञासा को लेकर के जाएगा, अपने आत्मकल्याण के बारे में जानने की इच्छा से जाएगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ गुरु की बात नहीं है, साधु के पास भी अगर कोई व्यक्ति जाएगा, साधु के पास जाकर उनका समय नष्ट करना उचित नहीं होता। अक्सर लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते, और स्वयं भी जो साधु बनना चाहता, मतलब हम जैसे लोग, हमें भी किसी के साथ वृथा की चर्चाएं करके अपनी समय भी ऐसा नष्ट नहीं करनी चाहिए। अनावश्यक बातें ठीक नहीं होता, और वो भी साधु संग में रह के जहाँ हम लोग भगवान को पा सकते हैं वहाँ अगर हम लोग जागतिक विषयों को लेकर के चर्चा करते हुए साधुओं का समय को नष्ट करते हैं या अपना समय को नष्ट करते हैं। साधु तो जैसा भी उनका व्यवहार हो, जो शुद्ध साधु होता है उनका जैसे भी वार्तालाप हो, कुछ भी हो, चरम में उन्होंने अपने अभीष्ट वस्तु की तरफ तो उन्होंने उन्मुख होके चले ही जाना है। या यूं कहें कि बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो ऑलरेडी उन्मुख हैं, लेकिन हम वहाँ तक जाके उनका लाभ ना ले पाने के कारण हमारे साथ अनर्थ जरूर हो जाएगा, हमारे साथ अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बोले यहाँ पर गुरुदेव के पास जाकर
वैष्णवों के पास जाकर यही प्रश्न करना है। गुरु महाराज जी बहुत जोर दे के बोलते थे, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हाय, संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोई। गुरु जी बोलते थे कि संत समागम मिलना तो आसान नहीं है और वो भी हरिकथा मिलना आसान नहीं है, इसीलिए सुत दारा और लक्ष्मी के पीछे नहीं जाना, कनक कामिनी प्रतिष्ठा के पीछे नहीं जाना होता, वो बहुत खराब स्थिति है। उनके पास जाके पूछना होगा, तब जाकर गुरु के मुखारविंद से जो उत्तर हमें प्राप्त होगा उसी से हमारे जितने भी संशय है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। कि स्वरूप संबंधी ब्रह्म जब आदमी के अंदर है और जब वो गुरु कृपा से उस तत्व को समझ लेगा तो उसके अंदर बाकी जितने भी भ्रांतियां हैं, भ्रांत धारणाएं हैं, सब कुछ शेष हो जाएगा उसके अंदर और कोई चीज बाकी नहीं रहेगा। और इतना ही नहीं कि वो संसार से छूट गया, वो भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास भी हो जाएगा। तत्व ज्ञान को व्यर्थ समझकर उनकी शिक्षा में अवहेलना करना उचित नहीं है। तत्व ज्ञान को मतलब सिद्धांत को क्या बोलते हैं, उसको व्यर्थ समझ के क्या करना है। एक हमारे मित्र था, एक बार ऐसे ही बात चल रहा है, बोलते ये सारी बातें हमें नहीं समझ में आता। वो कहता है मुझे तो सिर्फ राधा रमन जी का चेहरा दिखाई देता है या कुछ और दिखाई देता है। ऐसे ऐसे काल्पनिक दुनिया में जीने वाले लोग बोलते ज्ञान है शुष्क है, ये शुष्क नहीं है, ये रस को भरने के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है। आज अगर ये शुष्क लगता है कल को जीवन के अंदर रस नहीं आ सकता। रस का आधार जब बीज डालोगे पानी देते रहोगे पहले पेड़ आएगा, वो पेड़ का थोड़ आएगा धड़ उसका जो है वो आएगा, डालियां आएगा पत्ते आएगा, इसमें किसी में भी रस नहीं है। लेकिन तब भी उसको जब पोषण करते रहेंगे धैर्य के साथ तो उसमें से फूल और फिर फल, और वो फल भी परिपक्व अवस्था को प्राप्त करने के बाद उसमें से रस निकल के आएगा। ऐसा तो है नहीं कि बीज डालने के साथ ही वो रस निकल के आ गया। ऐसे जैसे आम है वो जैसे आदमी बीज डालेगा पेड़ का वो निकलेगा, थोड़ निकलेगा, वो देख के अगर अस्थिर हो जाते हैं हम, ये नहीं चाहिए मुझे, वास्तविकता में नहीं चाहिए, लेकिन उसके बिना वो फल भी नहीं आ सकता। किसको चाहिए आम का पेड़, उसको कौन चबाएगा बैठ के, कोई नहीं चबाता। लेकिन उसके बिना वो फूल भी नहीं लगेगा और फल भी नहीं लगेगा, और उसके बिना फल पकेगा भी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं तत्व को शुष्क बोलकर कभी भी आलस नहीं करना, सिद्धांत के प्रति कभी भी आलस नहीं करना। ये सिद्धांत का कृपा से ही भगवान के श्रीचरण में तुम्हारा मन अत्यंत दृढ़ होगा। और वो सिद्धांत यही है, ये जो दशमूल के रूप में यहाँ पर शिल भक्त विनोद ठाकुर जी उत्साह को वर्धित करने के लिए हम लोगों को बतला रहे हैं। ये दशमूल शिक्षा को जो व्यक्ति आचरण में लाएगा उसका ही उत्साह दृढ़ होगा, और वो उत्साहमयी सेवा को जब करेगा तब उसको भगवान का कृपा अवतरण होता हुआ अनुभव होगा। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।